एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कानपुर के डीएम कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में सोशल आउटरीच संस्था के प्रदेश सचिव व प्रदेश प्रभारी शबनम आदिल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अत्याचार और पुलिस की बर्बरता की कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती हुई अत्याचार, अभी एक व्यक्ति को गोली मार दी गई यादव जी को, और उसके बाद वहां पर पुलिस ने इतना तांडव किया व पूरे मोहल्ले में तांडव किया, महिलाओं से गैंगरेप हो रहे, तमाम जो लोगों ने बुलडोजर के घर गिराए हैं और तमाम तरह की बहुत सारी और अराजकता फैली है हमारे प्रदेश में, उस चीज के लिए हम लोग यहां पर आए हैं और मुख्यमंत्री जी को डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए और पुलिस प्रशासन आए दिन लोगों के ऊपर गोलियां चला रही, कहीं किसी को अपराधी बना रही है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। मेरा नाम शबनम आदिल है, मैं सोशल आउटरीच की प्रदेश की सचिव और प्रभारी हूँ। आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, बढ़ती हुई जो प्रदेश में बढ़ती हुई जो अत्याचार है, जैसे अभी एक लोगों को गोली मार दिया गया यादव जी को, और उसके बाद वहाँ पे पुलिस ने इतना तांडव किया, वहाँ पे पुलिस ने पूरे मोहल्ले में तांडव किया, महिलाओं पर गैंगरेप हो रहा है, तमाम जो लोगों के बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं, तमाम तरह की बहुत सारी अराजकता फैली हुई है हमारे प्रदेश में, उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और मुख्यमंत्री जी को जरिए डीएम साहब के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस तरीके के घटनाओं को रोका जाए। जो पुलिस प्रशासन आए दिन लोगों के ऊपर गोलियां चला रही है, कहीं किसी को अपराधी बना रही है, कहीं किसी को उठा ले रही है, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे रही है, इस तरीके के घटनाओं को रोकने के लिए हम लोग आज यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। अगर ये हम लोग की बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग सड़कों पर धरना करने का हम लोग प्रयास करें। खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।